गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास फिफ्थ. टूडे वी विल डिस्कस अबाउट मीजरिंग एंगल्स. हमने 11.2 तक कर लिया था क्लासेस में. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा मीजरिंग एंगल. ठीक है, द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मीजरिंग एन एंगल इज द डिग्री. हमारी जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है एंगल को मीजर करने की वो क्या होती है, डिग्री. द मैथमेटिकल सिंबल फॉर डिग्री और डिग्रीज इज, ये जो हमारा जीरो सा पॉइंट है इसको क्या बोलेंगे हम, डिग्री. ये डिग्री का सिंबल है. ठीक है, टू मीजर एन एंगल इन डिग्री वी यूज अ प्रोटेक्टर. हम अपनी एंगल को मीजर करने के लिए डिग्री में किसका यूज करते हैं, प्रोटेक्टर का. हेयर इज अ प्रोटेक्टर, वी विल फाइंड इट इन अवर ज्योमेट्री बॉक्स. द प्रोटेक्टर हैज टू स्केल ऑन इट. जो हमारा प्रोटेक्टर है हमें कहाँ मिलेगा, ज्योमेट्री बॉक्स में. और इसमें टू स्केल्स होते हैं, इनर स्केल एंड आउटर स्केल. और जो हमारा प्रोटेक्टर के स्केल्स होते हैं वो जीरो से स्टार्ट होते हैं, 180 तक जाते हैं. ठीक है, जीरो डिग्री से स्टार्ट होके 180 तक जाते हैं. और जो उनके बीच का पॉइंट होता है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ जीरो डिग्री पॉइंट. इस पॉइंट को बोलते हैं हम जीरो डिग्री. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट अस मीजर एंगल यू वी डब्ल्यू. हम इसने एग्जाम्पल दिया है कि हम एंगल यू वी डब्ल्यू को मीजर करेंगे कि वो कितने डिग्री का है. हमने क्या करा, फर्स्ट स्टेप प्लेस द प्रोटेक्टर ओवर एंगल यू वी डब्ल्यू. हमने क्या करा है कि जो हमारा प्रोटेक्टर है सच डैट द सेंटर ऑफ द प्रोटेक्टर इज ऑन वर्टेक्स वी. वर्टेक्स आपको पता है क्या होता है, वी. हमने क्या करा, अपना प्रोटेक्टर एंगल के ऊपर रखा वर्टेक्स. उसका जो हमारे प्रोटेक्टर का मिड पॉइंट था जीरो पॉइंट, प्रोटेक्टर के सॉरी एंगल के वर्टेक्स पे रखा है. देन उसके बाद हम देखेंगे हमारी जो आर्म है वी एंड यू कितना कहाँ पे उसको टच कर रही हैं. यहाँ पे 40 पे टच कर रही हैं, तो हमारा कितने का एंगल यू वी डब्ल्यू कितने डिग्री का है, 40 डिग्री का. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल. एंगल आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिक ऑफ देयर मीजर्स. जो हमारे एंगल्स हैं वो क्लासिफाई किए गए हैं, डिवाइड किए गए हैं उनके मीजरमेंट के अकॉर्डिंग. ठीक है, फर्स्ट आता है हमारा एक्यूरेट एंगल. एक्यूरेट एंगल क्या होता है हमारा, एन एंगल हुज मीजर इज मोर देन जीरो डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एन एक्यूरेट एंगल. एक्यूरेट एंगल हमारा वो एंगल होता है जो जीरो डिग्री से ज़्यादा हो लेकिन 90 डिग्री से कम हो, उसको हम एक्यूरेट एंगल बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारा एंगल है एक्स वाई जेड मीजर 65 डिग्री, इट इज़ एन एक्यूरेट एंगल. जो 65 डिग्री का एंगल है ये हमारा जीरो डिग्री से तो ज़्यादा है लेकिन 90 डिग्री से कम है, तो हम इसे एक्यूरेट एंगल कहेंगे. ये हमारा एक्यूरेट एंगल है. ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा राइट एंगल. एन एंगल हुज मीजर इज 90 डिग्री इज कॉल्ड एन राइट एंगल. जो एंगल हमारा 90 डिग्री पर मीजर किया जाए उसे हम राइट एंगल बोलते हैं. ना 90 डिग्री से ज़्यादा हो ना 90 डिग्री से कम, करेक्ट 90 डिग्री हो उसको हम राइट एंगल बोलेंगे. फॉर एग्जाम्पल एंगल ए बी सी मीजर्स 90 डिग्री, इट इज़ अ राइट एंगल. आप देख रहे हैं एंगल ए बी सी 90 डिग्री पर है तो इसको हम राइट एंगल बोल देंगे. ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा ऑब्ट्यूस एंगल. एन एंगल हुज मीजर इज मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूस एंगल. ऑब्ट्यूस एंगल कौन सा एंगल होता है, वो एंगल होता है जो 90 डिग्री से तो ज़्यादा हो लेकिन 180 डिग्री से कम हो. ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल वो एंगल है जो 90 डिग्री से तो ज़्यादा है लेकिन 180 डिग्री से कम है. फॉर एग्जाम्पल फिगर में एंगल एल एम एन 130 डिग्री का है, 90 डिग्री से ज़्यादा है और 180 डिग्री से कम. ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा स्ट्रेट एंगल. स्ट्रेट एंगल क्या होता है हमारा, एन एंगल हुज मीजर इज 180 डिग्री इज कॉल्ड अ स्ट्रेट एंगल. जो एंगल हमारा 180 डिग्री पर मीजर किया जाए, ना 180 डिग्री से कम ना 180 डिग्री से ज़्यादा, करेक्ट 180 डिग्री पर मीजर किया जाए उस एंगल को हम स्ट्रेट एंगल बोलेंगे. फॉर एग्जाम्पल एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर, ठीक है, ये हमारा 180 डिग्री का है, बिल्कुल स्ट्रेट एंगल. ठीक है,
नाम से पता चल रहा है स्ट्रेट एंगल, जो पूरा 180 डिग्री का हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्स एंगल। अब रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होता है? जो एंगल हमारा 180 डिग्री से तो ज़्यादा हो लेकिन 360 डिग्री से कम हो। पूरा एंगल हमारा एक कंप्लीट एंगल 360 का होता है, तो रिफ्लेक्स एंगल वो एंगल होता है जो 180 डिग्री से तो ज़्यादा का हो लेकिन 360 डिग्री से कम हो। फॉर एग्जांपल हमारा एंगल GHI, एंगल GHI ये 180 डिग्री से तो ज़्यादा है और 360 डिग्री से कम है, तो इसको बोलेंगे हम रिफ्लेक्स एंगल, जो 180 डिग्री से ज़्यादा हो और 360 डिग्री से कम। नेक्स्ट आता है हमारा ज़ीरो एंगल। एन एंगल हुज मीज़र इज़ 0 डिग्री इज कॉल्ड अ ज़ीरो एंगल। ऐसा एंगल जो मीज़र करे 0 डिग्री को, जो 0 डिग्री पर ही मीज़र हो, उसको हम क्या बोलेंगे? ज़ीरो एंगल। फॉर एग्जाम्पल एंगल AOB मीज़र्स 0 डिग्री, इट इज़ अ ज़ीरो एंगल। देखो एक एंगल था हमारा एंगल AOB, इसमें यहाँ से 0 डिग्री पर ही मीज़र किया गया है, इसलिए इसको बोलेंगे हम ज़ीरो एंगल, ठीक है। इसकी आर्म्स क्या क्या होंगी? OA एंड OB दोनों ही। नेक्स्ट आता है हमारा कंप्लीट एंगल। एन एंगल हुज मेजर इज 360 इज कॉल्ड अ कंप्लीट एंगल। जो एंगल हमारा 360 डिग्री पर बनता है उसको हम कंप्लीट एंगल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला एंगल XYZ, एंगल XOY, ठीक है, पूरा 360 पर बन रहा है, इसको हम बोलेंगे 360 डिग्री के वाले एंगल को कंप्लीट एंगल। नेक्स्ट आता है हमारा कंस्ट्रक्शन एंड एंगल। अब हम एंगल्स को कैसे बनाएंगे, ठीक है। लेट अस नाउ लर्न टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल यूजिंग अ प्रोटेक्टर। अब हम सीखेंगे कि कंस्ट्रक्शन कैसे बनाते हैं प्रोटेक्टर की हेल्प से। लेट अस ड्रो एंगल PQR ऑफ मेजर 60 डिग्री। आपको क्या करना है, एक लाइन खींचनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रो अ रे QR यूजिंग अ रूलर। आपको रूलर की मदद से एक लाइन खींचनी है QR करके, ठीक है। ये लाइन हम खींचेंगे QR। स्टेप टू, प्लेस द सेंटर ऑफ द प्रोटेक्टर एट वर्टेक्स Q। अब हमें प्रोटेक्टर को वर्टेक्स पे रखना है, मिड पॉइंट पे Q के। Q हमारा वर्टेक्स है। द सेकेंड स्टेप, प्लेस द सेंटर ऑफ प्रोटेक्टर एट वर्टेक्स Q सो दैट द बेस लाइन कंसिडर्ड विद QR, ठीक है। हमारा जो बेस लाइन है QR, उस पर हमने हमारी जो बेस लाइन होनी चाहिए, ये हमारी प्रोटेक्टर की बेस लाइन होती है। यहाँ पे हमने वर्टेक्स पे मिड पॉइंट रखा प्रोटेक्टर का, देन उसके बाद हमने 60 डिग्री एंगल मीज़र करके लाइन खींच दी QP करके, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप थर्ड, नाउ इफ द रे इज टूवर्ड द राइट साइड रीच द इनर स्केल एंड इफ एनी रे इज टूवर्ड द लेफ्ट साइड हिट द हेड द आउटर स्केल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, सिंस द रे इज टूवर्ड राइट साइड मीजर द इनर स्केल टिल यू रीच 60 मार्क। अब हमें क्या करना है, हम अगर राइट साइड का हमारा एंगल बनता है तो उसमें क्या करना है, हमें इनर स्केल को देखना है। इसमें राइट साइड एंगल बन रहा है तो हमने इनर वाले स्केल को देखा है, आउटर स्केल को नहीं देखना, ठीक है। नेक्स्ट, मार्क पॉइंट P एट 60 डिग्री। अब हमने क्या करा, 60 डिग्री पे P पॉइंट मार्क कर दिया, ठीक है। एंड स्टेप 5, रिमूव द प्रोटेक्टर एंड जॉइन पॉइंट P टू पॉइंट Q टू गेट QP। अब हमें क्या करना है, P पॉइंट को Q पॉइंट से मैच कर देना है और हमारा एंगल बन जाएगा एंगल PQR। अब हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है 11.3। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेजर द फॉलोइंग एंगल यूजिंग अ प्रोटेक्टर। ये आपका होमवर्क है, आपको होमवर्क में कंप्लीट करना है और जो समझ में ना आए बता देना। क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। कंप्लीट योर वर्क, योर वीडियो विल बी एंड।
your video is ended now.